तो हे गाइस, आपका स्वागत करता है फिर से ब्राट इस ब्लॉग में। और अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं और फिर से हम निकले हैं सुबह की सैर पर आज फिर, तो चलते हैं अभी। मैं सुबह से सोच रहा था कहाँ पे जाऊँ यार, समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज अलग सी जगह पे चलें। वैसे तो हमेशा हर बार अलग ही जगह जाते हैं, पर इस बार थोड़ी डिफरेंट ही जगह जाएंगे। तो आज हम एक जगह नहीं, दो जगह जाएंगे, जो कि हम आपको उस जगह पहुंचकर ही बताएंगे। अकेले में समझ में ही नहीं आता कहाँ पे जाना है, कहाँ पे क्या। एक बंदा अगर साथ होना तो सही रहता है, क्योंकि अकेले में समझ में ही नहीं आता यार कहाँ पे जाना है, कहाँ पे क्या करना है। इसके वजह से थोड़ी दिक्कत पड़ जाती है, क्या करें। सोचते तो बहुत इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पर दूर भी बहुत होते जगह, इसलिए अब से सोचा अब जल्दी जल्दी निकला करेंगे और जल्दी ब्लॉग बनाते कोशिश करा करेंगे। काफ़ी लेट हो जाता है पता है उठते उठते। मैं सुबह 4 या 5 बजे उठने की कोशिश करता हूँ, पर जब भी 7 तो बज ही जाते हैं। और रात में मैं अलार्म लगाना भूल गया, इसके वजह से और दिक्कत हो गई और हो गया कल्याण। आज फिर 7 बजे उठाऊं, अभी थोड़ी देर पहले ही ब्लॉग स्टार्ट करा अपना बनाने के, अगर इससे 7-8 से बड़े परेशान है। तो अभी फिलहाल हम बस पकड़ते हैं और चलते हैं। फिलहाल हम अभी बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं और अभी हम बस का इंतजार कर रहे हैं, अभी बस आती होगी। सुबह के खाली 8 बजे और गर्मी होना इतना स्टार्ट हो चुकी है, तो हे गाइस, आपका स्वागत करता है फिर से ब्राट इस ब्लॉग में। तो चलते हैं फिर अभी घूमने के लिए वो जगह, अभी हम आपको बताते हैं कहां पर आए हैं अभी फिलहाल। अभी तो गाइस हम आ जाए हैं कोरोनेशन पार्क, जो कि फिलहाल बंद लग रहा है क्या बता दो, वहां से तो गेट पर बंद है गाइस। कोरोनेशन पार्क तो बंद है, क्या करें। पर मैं आपको ऐसे ही बाहर से दिखाता हूँ एक बार, एक मिनट। तो देख सकते हैं ये हमारे यहाँ का कोरोनेशन पार्क है और ये बहुत बड़ा पार्क है। इसके अंदर महात्मा गांधी जी की मूर्ति भी है, यहाँ पे बच्चों के खेलने वेलने की भी जगह है बहुत सारी। लगता है आज का नसीब ही खराब है अपना, जो ये बंद ही पड़ा हुआ है आज ही बंद पड़ा हुआ है, या मेरे ख्याल से शायद ये रोज ही बंद पड़ा रहता है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन की वजह से अभी ये खोला नहीं गया है। यहाँ पे देखो कितने मस्त मस्त फूल लगे पड़े पूरे में, एकदम बढ़िया लग रहे हैं। अब देखते हैं जो दूसरी जगह है वहाँ पे चलते हैं, अब देखते हैं अगर वो भी बंद होगी तो अपना कल्याण हो जाएगा सही में। हमारी दूसरी जगह है उसके बारे में अभी अब हम आपको बताते हैं कि हम आपको सीधा दिखाते ही हैं। अभी यहाँ से बस हल्की दूरी पर ही है, अभी हम आपको दिखाते हैं उसको। हमें एक मस्त चीज दिखी है, देख सकते हैं किसी ने रस्सी से पेड़ के ऊपर झूला डाल रखा है बड़े तरीके से, तो हम इधर झूलते हैं थोड़ी देर। There's not much to do when all I can is thinking about you. फिलहाल तो झूले पे झूल के बहुत मजा आया सही में, मजा आ गया सही में, बड़े दिनों बाद झूला। ये तो पहले गांव पे झूला था, उसके बाद आज झूला है इतने टाइम के बाद सही में। गाइस मैंने अभी देखा इसके अंदर एक जना बैठा हुआ है, सो रहा है, लेटा है, वो कैसे अंदर चला गया पता ही नहीं चल रहा। या तो फिर वो दूसरी कोई जगह होगी पीछे से वहां से गया, जो की जगह हमें पता नहीं है इसके वजह से। छोड़ो फिर, हम तो अपनी दूसरी जगह पे फोकस करते हैं और चलते हैं और उसी अपनी दूसरी जगह पे। फाइनली गाइस हम अपनी जगह पे आ चुके हैं, हेरांगारी सरोवर, तो चलते हैं इसके अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं। तो गाइस अपना तो हर जगह से पोपट कट रहा है, ये भी बंद है, 18-19वां महीना लग गया इन सबको बंद होते हुए, अब क्या करें यार।
अब कहाँ जाए, अब अपने पास दो जगह थी, अब हम तीसरी जगह जाएंगे, कहीं और देखते हैं बड़ी सी जगह। तो फिलहाल हम चलते हैं। तो गाइस इस पार्क के अंदर बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा, सही बताऊं तो ये पार्क बहुत अजीब है। अरे बड़ा, और टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, टाइम अभी 9:30 होने वाले हैं फिलहाल। तो ऐसा करते हैं हम कोई अपने बढ़िया सी जगह चलते हैं, चलते दूसरी जगह चलते हैं। पार्क वार्क की तो मैंने काफ़ी ब्लॉग बना रखे हैं पहले से ही, तो कोई दूसरी जगह चलते हैं, अच्छी सी जगह, तो फिर चलते हैं, चलिए। तो गाइस हमने सोचा क्या हुआ कि हम उसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से तो बना ही सकते हैं वीडियो, तो हम चलते हैं अभी और आपको बाहर से दिखाते हैं अंदर का उसका एकदम, क्या बताऊँ, इतना मस्त बना हुआ है बिल्कुल, एकदम किसे कहते हैं कति जहर वाला। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक मिनट। तो देख सकते हैं गाइस ये इसके अंदर का है, एकदम बढ़िया तरीके से भरा है। पर इसके अंदर पता है आपको एक फुहारा भी, और एक अंदर इसके एक और गाइस इसके अंदर एक और फुहारा है, और एक क्या कहते हैं झील है इसके अंदर, जो कि बहुत बढ़िया है, एकदम इतना मस्त है, क्या बताऊँ आपको। रात के टाइम ये इतना बढ़िया लगता है, इसके अंदर जो एक कमल का फूल सा बना हुआ है उसमें लाइटें जलती है, रात के टाइम इतना अच्छा व्यू लगता है इसका देखने में, एकदम मस्त, क्या बताओ उसके बारे में। पर क्या करें, फिलहाल अभी बंद है तो इसके वजह से हमें बाहर बाहर से ही ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। खुलेगा तो तब इसको मैं अंदर से आपको दिखाऊंगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है, और साथ में टिचकी टुया। तो गाइस फिलहाल हमने अभी आपका अपने आगा ने रंगाड़ी का दिखाया, और अभी अब फिलहाल चलते हैं घर पे, चलो घर की ओर। देख सकते हैं हमारे आगे आगे रोड है, ये इसके अंदर बना हुआ है पूरा फ्लाईओवर के ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से। अगर इसके अंदर थोड़े गेम गेम के सिस्टम कर देते ना, मस्त लगता है बिल्कुल। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. तो गाइस अभी हमारे जूते का जीता खुल गया, फिलहाल हम वो बात लेते हैं अभी। चलते हैं फिर जल्दी से। तो फिलहाल हमने मास्क अपना हटा के लगाते हैं कि मास्क गीला हो चुका है फिलहाल इसलिए, और चलते हैं पहले रोड क्रॉस करते हैं। अरे अरे गाड़ी आ रही है धन्ना सेठ, पहले गाड़ियों का कट जाता हूँ फिर उसके बाद चलते हैं। तो चलते हैं फिलहाल भक्के रोड से, चलो अब चलते हैं। तो दोस्तों हम चलेंगे अपनी बस में, क्योंकि जो टेम्पू वाले होते हैं ये तो मुंह फाड़ पैसा मांगते हैं सीधा, इसके वजह से हम टेम्पू में नहीं जाएंगे और सीधा जाएंगे बस में, ठीक है, चलते हैं फिर। दोस्तों रुमाल में थोड़ी बंदी रहा था, सही ढंग से बेबे बे नीचे मास्क उतर जा रहा था, इसकी वजह से हमने रुमाल हटा दिया, मास्क लगा लिया है फिलहाल। पहले लगा था बस उतर चुके और लाल घर जा रहे हैं। तभी मेरे को फोन आया था एक जगह, तो मुझे अभी पापा से जल्दी होगी,
अभी मेरे पापा से बात करते हैं फिर आगे करते हैं। तो गाइस फाइनली हमने अपने पापा से बात कर ली अभी, क्योंकि वो क्या कहता है हमारी रेडी लगती है ना चौमिन फिंगर मोमोज की, ये मेरे पापा काम करते हैं इसी के, तो इसलिए फोन आया था एक जने का तो देने के लिए। अब चलते अपने घर के पास, वैसे बहुत घूम लिया आज, 10 बजने वाले हैं फिलहाल। तो फाइनली गाइस हम अपने घर पर पहुंच चुके हैं फिलहाल। आज मैं आपको अपने घर के अंदर का व्यू दिखाता हूँ कैसा है। तो ये मेरी दुकान थी जो कि पहले थी, अब बंद हो गई है। अभी फिलहाल हम जूते उतार दें, अंदर जूते पहन के जाना, अभी मम्मी ने सफाई करी है इसकी वजह से, वरना फिर मम्मी चिल्लाएंगी फिर फालतू में। जूते उतार कर भी रख देते हैं, तो चलते हैं अंदर। तो चलते हैं, चलते हैं। तो वैसे मेरे घर का व्यू है, ये मेरे पापा हैं और ये समोसे बन रहे हैं फिलहाल, समोसे एंड। अब मेरी मम्मी अंदर काम कर रही है रसोई में, देखते हैं आज बचा नहीं है कुछ खाने को। हेलो, क्या बन रहा है? समोसे बन चुके हैं और फिलहाल तभी मोमोज बन रहे हैं, और आते ही हम थक चुके हैं बहुत ही ज्यादा। देखते खाने में दरिया और कुछ बनना है। फिलहाल हम अभी अपना नाश्ता करते, चलो चलते हैं। दूध चने बन रहे हैं, दलिया, अभी फिलहाल हम बाहर से आए तो अभी अपना मुंह धो लेते हैं, काफी दूर में टूट रही थी बाहर, इसलिए चलो फिर अपना मुंह धो लेते हैं। फिलहाल हमने मुंह धो लिया है और अब थोड़ा भूख सा लग रहा है तो थोड़ा दूध पी लेते हैं, फिर अभी अपनी एक दवाई लेने भी जाने और थोड़ी सी सोयाबीन भी लानी है मोज बनाने के लिए। फिलहाल तो चलते हैं, अभी थोड़ा दूध पी लेते हैं पहले। तो कैसे हमने ले आए हैं दूध और पापे, चलो इसे खाते हैं फिर इसके बाद चलते हैं सामान लेने अपना। तो जैसा कि हमें कुछ सामान लेना था, इसलिए हम अपनी दुकान पाए जो हमारे घर के बस थोड़े से ही पास में है, तो चलते सामान लेते हैं फिर। तो भाई सामान दे दो। तो गाइस फिलहाल हमने सामान लेके घर में रख दिया है और अभी हम अपनी दवाई के लिए जा रहे हैं, दवाई लेने के लिए दुकान पर डॉक्टर के पास, चले चलते हैं फिर। तो गाइस ऐसा लगता है अपना पूरा ही दिन बेकार है, और क्योंकि अभी हम गए थे डॉक्टर की दुकान भी बंद है, लगता है आज अपना पूरा ही दिन बेकार जाएगा। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आशा करते हैं आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट शेयर करें प्लीज। बाय बाय।